विश्व भर में लगभग 12 तरह के मशरूम होते हैं, जिसमें से हिंदुस्तान में हमारे लगभग 4 तरह के जो मशरूम है वो हम लोग उपयोग में लाते हैं। एक है हमारा पेडरी स्ट्रो मशरूम, दूसरा है ओएस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन मशरूम। मुख्य रूप से जो हमारे उद्योग के लिए फायदेमंद है वो है ओएस्टर मशरूम। तो आइए देखते हैं कि हम ओएस्टर मशरूम कैसा होता है और इसको कैसे तैयार करते हैं। हम बात कर रहे हैं ओएस्टर मशरूम की। इसको बनाने के लिए हमारे पास 10 किलो के आसपास भूसा है, पानी है, फॉर्मलिन है और बीज है, स्पॉर्न है। हमने इस भूसे को पानी में भिगो करके 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसमें फॉर्मलिन भी हमने मिलाया था लगभग 5 ml। 24 घंटे के बाद में अभी इसको हम 30 मिनट के लिए 60 से 65 सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं। गर्म होने के बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें बुलबुला अच्छी तरह से उठ गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। इसको छलनी की सहायता से हम ऐसे थोड़े थोड़े छान करके अलग इसमें डालेंगे। इसको छानने के बाद, अच्छी तरह छानने के बाद में पानी पूरे निकल जाने चाहिए इसका। फिर इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ा देर छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद में हम एक पोलोथीन लेंगे। इस पोलोथीन को फॉर्मलिन से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और जिसमें भूसा को हमको भरना है इस सारे पोलोथीन को फॉर्मलिन से हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद ये भूसा जो हमारा है, आप देख रहे हैं, मैं जब इसको, ये ठंडा हो चुका है थोड़ा देर छोड़ने के बाद में, अब इसको जब हम हाथ में उठा के देखते हैं तो इसमें से पानी नहीं निकल रहा है इसको निचोड़ने पे, लेकिन भूसा रख देने पे इसमें अपने हाथ में नमी महसूस हो रहा है। मतलब अभी ये तैयार है, अभी हम इसमें बीज को डाल सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं इसका अभी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास 1 किलो का स्पॉर्न है। इस बीज को इसमें से हम लगभग आधे से ज्यादा 60-80% कह सकते हैं, हम पहले इसको पूरे भूसे में मिला देंगे, ऐसे छिड़क करके मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से, आप लोग मिलाएं, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद में अब हम प्लास्टिक को लेते हैं और इसके नीचे गांठ मारेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इसको पहले हम एक जगह करके गांठ लगा दिए नीचे से, ताकि जब हम इसमें भूसा को डालेंगे तो ये नीचे से गोल हो जाएगा। अब इसमें हम लगभग 1.5 से 2.5 इंच तक भूसा डालेंगे। इसको अच्छी तरह से दबा दबा करके चारों तरफ से भर देंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा स्पॉर्न जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे डालेंगे। इसमें ऐसे फैला के डाल दिया। फिर इसके ऊपर हम भूसा को और डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा इसको दबाते जाएंगे अच्छी तरह से, ताकि प्लास्टिक में चारों तरफ से अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर इसमें एक लेयर हम और बीज को ऐसे डालेंगे। हम 3 से 4 लेयर तक इसमें डाल सकते हैं। अभी देख रहे हैं आप, इतना हमारा रेडी हो गया बीज को डालने के बाद में। अब इसको अच्छी तरह से हम दबा लेंगे ऊपर से सबको। ये दबाना बहुत जरूरी है, ये जितना अच्छा दबा रहेगा हमारा उत्पादन उतना अच्छा आएगा, तो इसे अच्छी तरह से दबाना जरूरी है। अब इसको हम पैक करते हैं। पैक करने का तरीका देखिए, पहले एक तरफ से थोड़ा सा दबाए, फिर चारों तरफ से इसको दबाते हुए इसको हम एक जगह कर रहे हैं, ताकि एयर इसका निकल जाए और पोलोथीन जो है वो इसमें चिपक जाए। ऐसे लेकर के अब इसको हम नचाएंगे गोल गोल, नचाइए, इसको गोल गोल नचाएंगे। नचाने से हमारा एयर सब पहले ही निकल गया है और ये अच्छी तरह से अभी चिपक गया। देखिए अब इसको हम गोल गोल करके इसको अच्छी तरह से गांठ मारेंगे। इसको गांठ लग चुका है, अब ये हमारा रेडी है। अब इसमें हम चलेंगे, उसको स्टोर में ले चलेंगे, वहां रखेंगे और इसमें किनारे किनारे छेद छेद करेंगे। आप देखिए ये हमारा पहले से डला हुआ है, जिसका हम पोलोथीन हटा चुके हैं। ये हमारा ओएस्टर मशरूम है, इसमें छेद छेद करेंगे और मशरूम जब निकल गया था तब ये हमारा ये ऐसे है। और इसका नमी बरकरार रहे ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए इस पे पानी का छिड़काव हमको टाइम टू टाइम करते रहना है। जब इसको हम छू के देखते हैं तो देखिए इसमें नमी बना हुआ है। आगे हम आपको मशरूम के बारे में और भी नई नई जानकारियां देंगे, इसके औषधीय, तमाम औषधीय गुणों के बारे में भी हम जानेंगे। और मशरूम का राजा किसे कहते हैं, चागा, चागा और रेसी, ये एक राजा है तो एक रानी है, ये मशरूम के ही प्रकार है। इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।